पाद परमहंस परिव्राज कचर्य श्रीमत गौर गोविंद स्वामी शील गुरुदेव की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचर्य श्रीमत ए श्री भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचर्य श्रीमत भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवृंद की जय। नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। मायापुर नदी धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। श्रीमती राधारणी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल गुरुस असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण। ऑल गुरुस असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण। ऑल गुरुस असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण। ऑल गुरु श्री गुरु श्री गौरांग ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्यमनाभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामयं ददाति शूपदान्ति। वंदेहं श्री गुरु श्रीजूत पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवंशो श्री रूपं सागर जातं सहगण रघुनाथ नीतं तं सजीवं साधयितं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री विशाखानितंश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधाकांतो नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुवेश्य
कृपा सिंधु भेवस्य पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबलनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिस्ये नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त बिंदो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त बिंदो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आनंदलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। हरे कृष्णा। वी नो दैट जोशित संग और जोशित संगी संग इज कंसिडर्ड टू बी असत संग। आमे जानिछु जे जोशित संग एवं जोशित संगी संग ये असत संग मध्यरे गणा जाउछे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज जोशित व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जोशित। जोशित इज
The one who gives enjoyment to us, he or she is called Joseph. For a man, woman is Joseph, and for a woman, man is Joseph. Woman gives enjoyment to man, and man gives enjoyment to woman. पुरुष पाई स्त्री होउछि जोसित एवं गोटे स्त्री पाई पुरुष होउछि जोसित कारण पुरुष स्त्री को उपभोग दौछि एवं स्त्री मध्य पुरुष को किसी उपभोग दौछि तेणु जत्ते बेले जने पुरुष जने सुंदर स्त्री को दर्शन करे सेते बेले ता भितरे उपभोग्र इच्छा जाग्रत हुए एवं जत्ते बेले एक स्त्री एक सुंदर पुरुष को दर्शन करे ता मध्यर मध्य सेई भली इच्छा जाग्रत हुए तेणु ये जोशित आम भितरे उपभोग्र आकांक्षा बढ़ाउछि व्हेन ए मैन विल सी ब्यूटीफुल वुमन then he develops desire to enjoy, and when woman will see a beautiful man, then she also develops desire to enjoy. So therefore the joshit is just giving us some enjoyment, material enjoyment. Generally in our society, we say that only enjoyment is to just have sexual relationship with women. In general, people they know this. Sadhana bhavare लोक जानिछंती जे गुटे स्त्री को दर्शन कले ता भितरे उपभोग कामना बुद्धि पाउची एवं ए स्त्री संग बा स्त्री सहित जो मैथुन क्रिया यहा कोई सबुठारु बड़ उपभोग बोली समझ जानिछंती So our Gurudev always, he tells a story. Many they might have known about Birbal. Birbal was the close associate of the Emperor Akbar. And Birbal, his nature is to always speak something in joking way and gives pleasure to Emperor Akbar. Ame samate janichu Gurudev madhya ei kotha kuhanti agaru je Mughal rajatva samaye re Akbarankar दरबार रे जने विदूषक थिले तांकर ना होची बीरबल एवं से समस्तंको सुंदर भावरे हास्य रस देई पारथुले तेणु थरे आलोचना प्रसंग रे अकबर विदूषक बीरबलंकु प्रश्न कले जे स्त्रीर आकर्षण बहुत बड़ आकर्षण प्रबल एवं ए स्त्रीर आकर्षण गोटे पुरुष पाखर केते दिन रहे सो अकबर आस्ट बीरबल
that for a man, woman is very attractive, and how long a man will have this attraction towards a woman? Birbal said, until death. The attraction towards women will be always there. Even until death, one will have attraction towards women. But King Akbar could not believe it. He said, how it can be possible? When a person will become very old, his attraction also will be reduced. Then Birbal said, no, cannot. Akbar then said to Birbal, can you prove it? Then Birbal said, yes, I can prove. So Birbal took some time. Akbar jatebale pochale prashna je kete din porjonto e akarshan rahibo stri prati jane purusharo satebale Birbal kahile murtyu porjonto etre murtyu porjonto kahile Akbar eta kotha ta grahan kari palana se kahile tume pramanito kari dekhi paribo Birbal kahile ha ame pramanito kar daba kintu ki samay naba. तापरे बीरबल राजा पाक जाई अकबर को जाई कहले जे महामहिम सम्राट जड़े वृद्ध व्यक्ति शय्याशायी से मृत्युबरण करिया जाउछ ता पूर्वरो आपन को दर्शन करिया को चाहूँ आपण आपणकर कन्या को सांगर धरी आसंतु आमे जीवा। सो वन डे बीरबल इनफॉर्म किंग अकबर दैट वन वेरी ओल्ड मैन इज गोइंग टू डाई एंड ही वांट टू सी यू, सो विल यू प्लीज कम विथ योर डॉटर। अकबर सेड ओके विल गो। देन बीरबल अरेंज्ड nicely near the death bed of that man, he put two chairs, one side, another one chair the other side of the bed. And when Akbar and Birbal came to that old man, the both Birbal and Akbar sat one side, two chairs, and Akbar's daughter, she sat the other side of the bed. That the old man who was about to die, he just turned his face towards Akbar's daughter. He didn't look at Akbar, because Akbar's daughter was very beautiful. That time Birbal said, see, you are king, you are the emperor, but this old man is going to die. Instead of honoring you or looking at you, he is looking to your daughter only. From that it is proved that until death one cannot give up his attraction towards the opposite sex. So
Then Akbar put faith on Birbal's statement. Say to Praman Guru, the Kidiagala, Birbal the Kedale, the Konyatiku, Se Buddha, Mutta was Tare, Chahikiroichi, Akbarum Kuchaunahi, Shaman Jonahi, Eithirukon Pramanite Hunahi, Je Murtu Parjanto, Jane. स्त्री आकर्षण छाड़ी पारे तेणु इथरो आम देख लु जे बयस मात्रा कमी बा उपभोग इच्छा कमी यह ठिकना जिनस नुहे फ्रम दिस वी केम टू नो दैट इफ समवन विल बिकम वेरी ओल्ड His desire will go, his attraction will go. That is not the fact. Then we can take the example of Srimad Bhagavatam. In Srimad Bhagavatam, 9th canto, it is stated about Jajati and Devajani. Jajati rescued Devajani from a well. Then Devajani developed love for Jajati. Jajati also developed love for Devajani. By the permission, by the approval of Daitya Guru, Shukracharya, they got married. After marriage, long time Jajati was enjoying with Devajani. But Devajani was having another servant. Her own friend, Sarmishta, came as servant. Again, Jajati developed attraction towards Sarmishta. And they were having relationship long time without the knowledge of Devajani. I mean, Navam Skanda Bhagavata Dekhiva, Jajati Devajani Upakhyano, Devajani Jatra Kuvitra Politile, Jajati Tanku Udharko Tile, Devajani Kopati Jajati Nkara Bahuto, Akarshana Bolitila, Jajati Nkara Bhatta Devajani Kopati Akarshana Bolitila. Yahapare, दैत्य गुरु शुक्राचार्यंकर अनुमति क्रमे देवजानी को जजाति विवाह करथि बहुदिन धरि देवजानी को सहित से उपभोग रे समय कटेले सेतेबेले देवजानी को सहित तांकर संगी शर्मिष्ठा से दासी हे के आस्तिले एवं जजाति शर्मिष्ठा प्रति आकर्षण बढ़ीगला देवजानी अज्ञात सारे शर्मिष्ठा सहित से संपर्क रखिले उभय आड़ पुत्र उत्पन्न है ये सब कथा भागवत शास्त्र में दिया जाए इट्स ऑल नैरेटेड इन श्रीमद् भागवतम When Devajani came to know that Jajati is having some physical relationship with Sarmishta, she became very angry. And she spoke to her father, Shukracharya. Shukracharya cursed Jajati. Jajati became very old. But still, desire was there. And Devajani also started lamenting when she saw her husband became very old. The old age, one cannot satisfy the woman. So therefore Devajani requested her father to give back youth to Jajati. Devajani जिते बड़े जजाति को अभिशाप दे शुक्राचार्य
ସେତେବେଳେ ଯଜାତି ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ, ସ୍ଥବିର ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଦେବଯାନୀ ଯେଉଁ ଉପଭୋଗ ପାଉଥିଲେ ଯଜାତିଙ୍କ ନିକଟରୁ ତାହା ମିଳିଲା ନା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ଅନୁନୟ ବିନୟ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ, ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜଣେ କେହି ତାର ଯୌବନକୁ ଯଜାତିକୁ ଦେଇପାରିବ ତାହେଲେ ଯଜାତିର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସେ ନେବ, ପୁଣି ଯଜାତି ଯୁବକ ହେବ। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେଡ୍ ଟୁ ଦେବଯାନୀ, ଇଫ୍ ସମୱାନ୍ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ହିଜ୍ ୟୁଥ୍ ଟୁ ଯଜାତି ଆଣ୍ଡ ୟୁ ୱିଲ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହିଜ୍ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ଦେନ୍ ହି କ୍ୟାନ୍ ବିକମ୍ ଏଗେନ୍ ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍ ସମ୍ ହାଉ। ହିଜ୍ ଲାଷ୍ଟ ସନ୍ ହି ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଯଜାତି, ହି ଗେଭ୍ ହିଜ୍ ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ ଟୁ ଯଜାତି ଆଣ୍ଡ ଯଜାତି ଏଗେନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଏନ୍ଜୟିଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଦେବଯାନୀ ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ୍। ମହାରାଜ ଯଜାତି ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ ଦେବଯାନୀ ସହିତ ସମ୍ଭୋଗରେ ମାତିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ନିର୍ବେଦ ଆସିଲା। ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି, ମୁଁ କେବଳ ସମ୍ଭୋଗ କରି ଚାଲିଛି, ମୋର ଜୀବନରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆଫ୍ଟର୍ ଏନ୍ଗେଜ୍ଡ ଇନ୍ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଦେବଯାନୀ ଏଗେନ୍ ସୋ ମେନି ଇୟର୍ସ, ଦେନ୍ ୱାନ୍ ଡେ ଯଜାତି ଇ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଥିଙ୍କିଂ, ହ୍ୱାଟ୍ ଆଇ ଡିଡ୍ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଡେଜ୍ ଲଙ୍ଗ ୱେ, ଆଇ ୱାଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଏନ୍ଜୟିଙ୍ଗ ସୋ ହି ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ରିଡ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ବଟ୍ ଦେବଯାନୀ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଲିଭିଙ୍ଗ ହିମ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଷ୍ଟିଲ୍ ସି ୱାଜ୍ ହାଭିଙ୍ଗ ସୋ ମଚ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଯଜାତି। ସୋ ହାଉ ଟୁ ବିକମ୍ ଫ୍ରି ଫ୍ରମ୍ ଦେବଯାନୀ, ଦେୟାରଫର୍ ହି ଟୋଲ୍ଡ ଏ ଷ୍ଟୋରି ଟୁ ଦେବଯାନୀ। ହି ସେଡ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଇନ୍ ଭାଗବତମ୍, ଏ ଫିମେଲ୍ ଗୋଟ୍ ୱାଜ୍ ଫଲନ୍ ଇନ୍ ଏ ୱେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସି ୱାଜ୍ ପ୍ରେଇଙ୍ଗ, ସି ୱାଜ୍ ମେକିଙ୍ଗ ସାଉଣ୍ଡ ଟୁ ଗେଟ୍ ସମ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ସମ୍ ୱାନ୍। ଦେଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦି ୱାନ୍ ମେଲ୍ ଗୋଟ୍ ୱାଜ୍ ପାସିଂ ଥ୍ରୁ, ୱେନ୍ ହି ହାର୍ଡ ଦି ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଏ ଫିମେଲ୍ ଗୋଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଇଙ୍ଗ ଆସ୍କିଂ ସମ୍ ୱାନ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ହିମ୍, ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ହାର୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ୱେଲ୍। ସୋ ଦେନ୍ ଦିସ୍ ମେଲ୍ ଗୋଟ୍ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଦି ୱେଲ୍ ସାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଡିଗିଙ୍ଗ ଦି ଆର୍ଥ ବାଇ ହିଜ୍ ହର୍ନ୍ ଆଣ୍ଡ ସମ୍ ହାଉ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫିମେଲ୍ ଗୋଟ୍ କେମ୍ ଆଉଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ୱେଲ୍। ଦେନ୍ ଦି ମେଲ୍ ଗୋଟ୍ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫିମେଲ୍ ଗୋଟ୍, ଫିମେଲ୍ ଗୋଟ୍ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମେଲ୍ ଗୋଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବୋଥ୍ ୟୁ ଆର୍ ଭେରି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍। ସୋ ଦେନ୍ ଦେ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଲିଭିଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍। ଗୋଟେ ମାଈ ଛେଳି
छागी पड़ा गोटे कू भितर रक्षा करिया को से चित्कार करूला से गोटे छाग अंडीरा छेली से बटे जाऊला से यार चित्कार शुणिकी गला देखला कू भितर पड़ी माई छेली से उद्धार करने तार सिंघरे माटी खोलिकी से कूर गोटे रास्ता करदेला एमती भाव जमी माई छेलीटा उठी आसपार ऊपर माई छेली जो ऊपर उठी आसला अंडरा छेली को देखिकी से मुग्ध हो गला अंडरा छेली भारी सुंदर थिला दे माई छेलीटा मत सुंदर थिला तेणु दुई जन भितर आकर्षण बढ़ीगला तापर से माने स्वामी स्त्री भाव दिन बीत लगे तेणु ये गोटे प्रतीक गल्पे एलेगोरी प्रतीक माने निजे जजाति जीवन सहित सामंजस्य रखिकी ये गल्पटा से कौन जजाति स्पीकिंग दि स्टोरी टू देवजानी व्हिच इज हैविंग सिमिलर सीक्वेंस द किंग जजाति वाज हैविंग देन दिस मेल गोट एंड फीमेल गोट दे रिमेन टुगेदर लॉन्ग टाइम Because this male goat was very handsome and beautiful, many female goats were attracted towards this male goat. Then male goat, leaving that female goat to whom he rescued, he was engaged with other many female goats. Then the original female goat, when she saw that this male goat is not turning up towards her, she went and complained to her master and Brahman. So what Brahman did? He became angry and cut up the testicles of the male goat. जेतेबेले बहुत छेली सहित जौन क्रिया कला सेतेबेले से आगर माई छेलीटा छागीटा मनर दुख पाइला एवं से तार मुनिब जड़े ब्राह्मण कहला ये सब कथा सी शुणिकी सी विरक्त हला से पुरुष छेली बा छाग उपरे तार अंडकोष काटी देला जेते अंडकोष कटिगला सेतेबेले से पुरुष छेलीटा आउ जौन क्रिया करि पारलाना व्हेन दैट मेल गोट लॉस्ट हिज टेस्टिकल्स ही कुड नॉट एंगेज इन सेक्स लाइफ एनीमोर Then the original female goat, she was suffering now because she was getting enjoyment from that male goat. So again that female goat went to her master and requested her to do something. Then that Brahmana was having some yogic power. So again, due to his yogic power, he just brought that
testicle again, and again that male goat became able to do and sex with other goats. So now, से ब्राह्मण जोग शक्ति बल पुणी तार अंडकोश जोड़ीदेला पुणी सी से माई छेली सहित सहवास करने को लगला। यही कथा जजाति देवजानी को कहले, से कहले हे मोर प्रिय भार्या, मु वर्तमान से छाग सदृश। He said to Jajati, said to Devajani, that I am like that male goat. I am so foolish that I was attracted towards your physical beauty, and I was so much engaged in sex life, going for enjoyment, I could not think about the presence of soul. Mu sei chago sadrusho, mu tumo soito etim. मैथुन क्रिया बा जौन क्रिया रे मुते लिप्त हो जाइली जे मोर आत्मस्थिति कथा मु भूली जाए टोटाली आई फॉरगॉट अबाउट द एक्जिस्टेंस ऑफ माय आत्मा तेणु ये कहुच जीवन जो लक्ष्य से लक्ष्य को जड़े अति सहजरे भूली जोशित संगरे वन विल फॉरगेट अबाउट द गोल ऑफ लाइफ बाय एसोसिएटिंग विथ जोशित What is the goal of life? The goal of life is self-realization. That is the goal of life. But due to the desire for enjoyment, for our physical, mental happiness, we are forgetting that existence of soul, and we are not having realization of soul. तेणु यह कहुची दुरंत काम जिते उपभोग कले ये पिपासा मेटु ना दुरंत काम दिस इज द लास्ट which cannot be avoided or which cannot be overcome easily. The lust is so strong. This is sad. Suppose the fire. What fire needs? The fire needs some oil or ghee. And if someone will think that I will put ghee to the fire, that fire will be satisfied.
and it will be extinguished. But it will never happen. You will put ghee or oil, the more fire will come. Agnira avashyakata ghee ba telo. Amedi bhaviba je agnira avashyakata purana kariba pai ame jodi kichi ghee dhai daba tahale agni santushta hoi palai jibo ta kebe hobo na. आम जी अग्नि घृताहुति देवा अग्नि आहरी प्रज्वलित हम सिमिलरली इफ यू थिंक दैट विल गिव एंजॉयमेंट टू आवर बॉडी देन बॉडी विल नॉट डिमांड एनीथिंग एनी मोर दैट विल नेवर हैपन दिस बॉडी विल नीड मोर एंड मोर एंजॉयमेंट. My Gurudev said, Kama Asakti. Kama Asakti, Kama Asakti. This Kama Asakti, Yahaku Tyag Kariba Sahaja Kathana. Our attachment for lust, it is not so easy to give up that attachment. The ninth canto Bhagavatam, chapter 19, text 16, it is said, Jadustajya durmati vir girjato jan girjate. जादुस्तज्या दुर्मति भीर जिर्जत्तो या न जिज्यते तम तृष्णाम दुख निवहम शर्म शर्म कामो द्रुतम त्यजेत. फॉर दोज हु आर टू अटैच्ड टू मेटेरियल एंजॉयमेंट सेंस ग्रेटिफिकेशन इज वेरी डिफिकल्ट टू गिव अप. इवन व्हेन वन इज एन invalid because of old age, one cannot give up such desires for sense gratification. Therefore, one who actually desires happiness must give up such unsatisfied desires, which are the cause of all tribulations. ये जो भौतिक सुख संभोग यार जो आसक्ति इति प्रबल जे एथेरे आसक्त चित्त व्यक्ति पक्षरे इंद्रिय सुख त्याग करिबा बड़ कष्टकर व्यापार. एपरिक व्यक्ति वृद्धावस्था प्राप्त हेले अकर्मण्य हो गले सुद्धा से इंद्रिय सुख कामना त्याग करी पारिबो नाही. इवन वन विल बिकम इनवैलिड टोटली इनवैलिड स्टील कैन नॉट गिव अप डिजायर फॉर एंजॉयमेंट डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन. What is the identity of jiva? Jiva is the eternal servitor of Bhagavan Krishna. Mamivansa jiva loko jiva bhuta sanatana. Sanatana bhavare jiva hauchi Bhagavan karo sevako
नित्य दास नित्य अंश जीवटा जदि तार कार्यटा को परित्याग करदब जीवर कार्य कौन मोहन कृष्ण जदि सी सेवाटा को त्याग कर दिए ताल कौन हम हाँ जीव कार सेवा कर मायर कर ना भगवान कर यदि भगवान को सेवा टा त्याग कर दिए कौन हम मायार सेवा कर जीव इज इटर्नाल सर्विटर ऑफ भगवान कृष्ण इफ यू विल गिव अप हिज सेवा टू भगवान कृष्ण देन यू विल सर्व माया तेणु सेव्य वस्तुर सेवा छाड़ी भोग्य वस्तुर सेवा कर बुझे सेव्य वस्तु होती भगवान कृष्ण तांकर सेवा छाड़ी भोग्य वस्तुर सेवा कर He will give up the service to the Supreme Lord Bhagavan Krishna, who is the worshipable one. Give up his worship and he will serve this material one, that is Maya, Bhogya Vata. तेणु जत्ते बड़े मायार सेवा करिवो सेते बड़े कौन हबो जानिचो जने मायार सेवा कले कौन हबो ना नश्वर वस्तु प्रति आसक्ति आसी नश्वर वस्तु जानिचो तो विनश्वर नश्वर हाँ जहाँ चिरस्थायी नुहे नश्वर जहाँ क्षयप्राप्त हम जहाँ नष्ट ता प्रति आसक्त हो जीव विल गो फॉर सेवा टू माया देन दे जीव विल बी अट्रैक्टेड एटाच टू वन व्हिच is perishable. Nashwara vastu ta kon? Ye sharira ta nashwara. Tane ye sharira prati asakta hai. This body is perishable one and one will be attracted towards this body. Nashtashila sharira. मरणशील शरीर या प्रति आसक्त हो बुझल तापरे कौन हम ना क्लेश भोग कर कष्ट व्हेन वन विल बी अट्रैक्टेड और अटैच टू द पेरिशेबल वन दिस बॉडी then he will get all types of miseries, suffering. Again we will see 11th canto Bhagavatam. In that 11th canto Bhagavatam, Abadhuta Jaduraj Sambhad. Conversation between Abadhuta and Jaduraj. So, in a forest, one pigeon was
staying with its wife on a tree. What I don't know, what do you say? Pigeon or what do you say? Kapoto, what do you say? You know kapoto? Pigeon. They both were staying on a tree. And they were having so much strong attachment among themselves. Gote brukhare kapototiye tar patni kapoti sahita rahutla tanka bhitare gabhira bandhana thila snehara bandhana. Ebang se dui jana paraspar prati akrushta hoi jaithile atirikta akrushta. Both were attracted towards each other. And due to their attachment, bodily attachment, they were going for sense gratifications. Sharirika asakti yuga tanka bhitare. Indriya priti hautila. Chalchila. So they were so attached, not able to remain separate from each other for a single moment. Ete asakti je gutiye muhurta madhya samane paraspar tharu bichhed hounati. तेणु यहाँ तक दिन कु दिन बढ़ाक लगला से आसक्ति दिन कु दिन बढ़ाक लगला डे आफ्टर डे देयर अटैचमेंट इनक्रीज मोर एंड मोर भगवत प्रेम लव फॉर भगवान कृष्ण इज जीवस इटर्नल धर्म एंड इफ दैट लव इज नॉट देयर देन सो कॉल्ड लव विल गो टुवर्ड्स अदर material objects, material things. Jivara nitya dharma hochi bhagavat seva. Bhagavat prema priti. Sheda jo na rahibo, tahale bhautika sthitire priti jagrat hoijibo. Our love will develop. Other than Bhagavan, bujhyauchi. Tenu samane ekathi khelutile, basutile, katha hautile, ekathi udi udi jautile, puni ekathi udi udi feri astile basaku. Eta sabudinar karyakrama thila. They were together sitting, talking, and together they were flying to search for food, many things. Then they were again together coming back to that tree. Kapoti, the female pigeon, speaking very sweet words to Kapoto, the male pigeon.
So this male pigeon, it was also praying to Bhagavan. For what? Bhagavan should give him enough strength so that he can enjoy the female pigeon. For that he was praying. What Singapore Chinese doing? Blood. To become very fit, eh? The Chinese, they eat everything, eh? Just to become fit, to go for sex life. But they become very quickly old. I saw many Chinese were there in our Balasore. After some time, तेणु यही कपोत कपोती दिजन भगवान को प्रार्थना कले पिलाते हो the male pigeon and female pigeon, they both pray to Bhagavan so that they can have a child. So after some time, the kapoti, the female pigeon, gave birth. Not directly, egg form. Many eggs. And from those eggs, very tiny baby pigeons came out. And both husband and wife, they were very happy. किसी दिन परे से कपोती केते गुड़िए अंडा प्रसव कला से अंडा देर छोट छोट कपोती सब कपोत पक्षी शिशु कपोत पक्षी बाहर ले देखिकी ये दुई जन स्वामी स्त्री अति आनंदित हो गले तेणु सेमानको पाई खाद्य जुगाड़ करिबा दुई जन जाक खाद्य जुगाड़ करके तुम देले सेमाने धीरे धीरे बढ़िया को लागले स्मॉल पिजन्स बेबी पिजन्स दे हस्बैंड एंड वाइफ दे वर ब्रिंगिंग फूड फॉर देम एंड आफ्टर सम टाइम दे ग्रू देन that 11th canto bhagavatam 7th chapter text 61 saying snehanubandha hrudaya banyanyam vishnumayaya vimohito niriyo sishan upojato prajaha vimohito dino diyam शिशुन पुपु सतुहु प्रजा देयर हार्ट्स बाउंड टू ईच अदर बाय अफेक्शन द फुलिश बार्स कंप्लीटली बिल्डर बाय द इल्यूजरी एनर्जी ऑफ लॉर्ड विष्णु कंटिन्यू टू टेक केयर ऑफ द यंग ऑफस्प्रिंग हु हैड बीन बॉर्न टू देम
विष्णु मायारे मोहित हई परस्पर आसक्त चित्तरे कपत दंपति गण संतान पालन लगी व्यग्र होते गोटे दिन से शिशु मान को लगी किसी खाद्य संग्रह करवा वन डे बोथ हजबैंड एंड वाइफ दे वेंट आउटसाइड टू ब्रिंग सम फूड फॉर देयर चिल्ड्रेन That time, one hunter was looking for birds. He came to that tree and he looked at the branches where the baby birds were sitting. He saw them. That time he put a net and somehow these baby birds they jumped and came to that because some grain he put there on the ground and the baby birds they came dancing to eat that grain and they were caught in that net. गोटे ब्याध आसला सी चढ़ी पक्षी शिकार करने आसला देखीदेला जे गच्छे बहुत पक्षी शावक मान अच्छा से गोटे जाल बीछे तादर किसी चाउल बीछीदेला से पक्षी शावक मान ओह आसले डेई डे कि से जाल भितर सब पड़गले जेतेबेले कपत कपती दुईज आहार सामग्री धरी से गछरे आसी पहुँचले तलकु चाहिदेले तांकर सबू शिशु माने बंधन अवस्था अच्छा व्वेन दे मेल पिजन एंड फीमेल पिजन बोथ दे केम बैक कलेक्टिंग सम फूड फॉर देयर चिल्ड्रेन They saw the children, they are all caught by that hunter man in a net. Bandhan avasthara thai ki se shishu mane krandana karuthile maa ko poti au sahi parla nahi tanku dekhe. से मध्य कांदी पकेला ऑल द चिल्ड्रेन इनसाइड द नेट दे वर क्राइंग एंड व्हेन मदर पिजन सॉ दैट शी आल्सो स्टार्टेड क्राइंग से रही पारना ये तो भगवान करो माया से माया मोहित ही जाए तार पिला उड़ा को पड़ी जाल भितर कांदुचंती ये तांकु रक्षा करने चलीगला सी भी जाल भितर पड़गला दि मदर पिजन कुड नॉट टॉलरेट It is already we say that this is the illusion made by Lord Vishnu. So that mother pigeon could not tolerate seeing that her children are inside the net. So she also jumped to that net, and finally she was caught also.
So now the male pigeon, when he saw that his dear children and dear wife all are inside the net of that hunter man, he started crying loud voice. से पिता जे बाप कपोत माँ पड़ा देखी ता स्त्री पड़ी एवं छोट कपोत पक्षी गुड़ाक सब जाल धरा पड़ जाते देखिके से अति दुखर विलाप करिया को लगला। इन दिस कंटेक्स्ट अवधूत सेंट जदुराज 11:7-68 अहो मे पश्यता पायो अहो मे पश्यता पायम अल्प पुण्यस्य दुर्मते अतृप्तस्य अतृप्तस्य कृतार्थस्य गृहस्त्राई वर्गिको तथतः। द मेल पिजन सेड अलास जस्ट सी हाउ आई एम नाउ डिस्ट्रॉयड आई एम ऑब्वियसली अ ग्रेट फूल फॉर आई डिड नॉट प्रॉपरली एग्जीक्यूट पायस एक्टिविटीज आई कुड नॉट सैटिस्फाई माय सेल्फ Nor could I fulfill the purpose of my life. My dear family, which was the basis of my religiosity, economic development and sense gratification, is now hopelessly ruined. Sei kopoto bilap kori kouchi he jivagano अहिक सुखरे अतृप्त पारलौकिक सुख संपादन रे विमुख अल्प पुण्यशाली मो परी दुर्मतिर दुर्गति किपरि देखंतु आजि मोर त्रिवर्ग साधन गृहाश्रम नष्ट होइछि त्रिवर्ग साधन पड़े त्रिवर्ग साधन माई त्रिवर्ग साधन हैज बीन डिस्ट्रॉय पड़े त्रिवर्ग साधन गोलकपति जाने जगह त्रिवर्ग साधन चतुर्वर्ग साधन धर्म अर्थ काम दिस इज त्रिवर्ग साधन मेनी दे गो फॉर त्रिवर्ग साधन मेनी दे आर गोइंग फॉर चतुर्वर्ग साधन त्रिवर्ग साधन पाई केतक जन चेष्टा चलते आउ किसी चेष्टा कर चतुर्वर्ग साधन मुख्य साधन पाई धर्म अर्थ मुख्य धर्म अर्थ काम मुख्य तेणु ये जो कपति आपतर जो साधना ये साधना थिला त्रिवर्ग साधन केवल धर्म अर्थ काम साधन दिस पिजन दि कपल दे आर डूइंग साधना ओनली फॉर सो कॉल्ड धर्म अर्थ काम नाउ दैट इज स्पॉइल्ड
their sadhana has no meaning now. Mm-hmm. Sadhana mor nashta hoi gala. Tar kichi artha rau nahi. Karana atibrata anugata bharja mate shunya grah rakhi dei. निजर पुत्र मान को सहित स्वर्ग गमन कला कारण ये व्याध तांकु सब मारिकी खाइला दी हंटर मैन He killed the mother pigeon and other baby pigeon. So now the father is saying that they all went to heavenly planet. So why I will survive here in this world without my wife and children? Mu kahinki e jagatre mor patni ebong putra man ku chadi ki rahibi. Se kon kala na nije स्वच्छाकृत भाव रे से व्याधर जाल भीतर को नहीं पड़ा देन व्हाट दैट मेल पिजन डू डिड स्पॉन्टेनियसली ही जस्ट ऑल ही आल्सो फेल इन दैट नेट हंटर मैन्स नेट So that pigeon was really a foolish one. Sei kopototi thila utiye murkha. Mo stri morichi mu banchi ki kon hobo stri kouchi mor swami morichi banchi ki kon hobo Husband is saying, my wife has died, why I will survive? And wife is saying, my husband died, how can I live in this world? So many, those who are actually looking for their physical enjoyment, they are just suffering like this pigeon. Jo mane shaririko upabhog chahuchanti से मैंने ये कपोत पक्षी पड़ी हे कारण से मान को शारीरिक सुखटा कौट पाऊंट गौरांग प्रिय वेर फ्रम दे आर गेटिंग फिजिकाल हैप्पीनेस बॉडीली हैप्पीनेस शारीरिक सुखटा कौट मिल्च मैथुन मैथुन सुख से सबुठ बड़ सुख ना जिते सुख अच्छे ताठ मैथुन सुख बहुत उच्च रे
the body happiness, bodily happiness, physical happiness, one is getting from sex life. You know? जो माने यहाँ को बहुमान कर बहुमान बुझ तो हाँ हाँ कौनटा बहुमान माने या प्रशंसा कर से माने परवर्ती अवस्था रे अधिक क्लेश पाउछ व्हाट यू से इन इंग्लिश बहुमानन बहुमानन कैन से एप्रिशिएटिंग दोज आर एप्रिशिएटिंग दिस टाइप ऑफ हैप्पीनेस दे आर गेटिंग मोर सफरिंग इन देयर लाइफ तेणु अवधूत जदुराज ही उपदेश दौंट इलेवेन्थ कैंटो चैप्टर सिक्स टेक्स्ट 74 ज प्राप्यो मानुषं लोकं मुक्तिद्वारं प्रभूतम् गृहेशु भगवत शक्तस्तमा रुच्युतं विदुः सेवन ओके ओके रिटन चैप्टर सेवन अच्छा अच्छा इलेवन सेवन सेवेंटी फोर The doors of liberation are opened wide to one who has achieved human life. But if a human being simply devotes himself to family life, like the foolish bird in this story, then he is to be considered as one who has climbed to a high place only to trip and fall down. जो पुरुष अर्गल रहित मुक्तिर द्वार स्वरूप मनुष्य देह लाभ करी कपत परी गृह धर्म रे आसक्त हुए पंडित गण ताहांकु श्रेय पथरु पतित बोली जान बाबा बुझियो हाँ आउथर कौछ जो पुरुष अर्गल रहित मुक्तिर द्वार स्वरूप मनुष्य देह लाभ करी कपत परी गृह धर्म रे आसक्त हुए पंडित गण ताहांकु श्रेय पथरु पतित बोली जान बुझ मोहन कृष्ण बाबा अर्गल रहित माने कौन अर्गल माने कह सब आठ ना ये तो बर्तमान सब ऑनलाइन किए पहाड़ ऊपर गला किए गच्छ ऊपर गला आठ
Somebody is climbing to tree, somebody is going to mountain online. कौन पाठ हम ता पूर्व तुम पाठ भी ना जहा पढ़ु तेरे अर्गल शब्द रान कह देखा आजिकल तो पास भी कर दिया हूँ ना कौन बाहर आग को कौन बाहर मुझे बुझी पा कंप्यूटर एक्सपर्ट मोबाइल कंप्यूटर एक्सपर्ट किंतु आउ किछि नै अंत सार शून्य अर्गल माने होची देखो तुम्हें जाइछो गुंडीचा मंदिर हाँ गुंडीचा मंदिर जत्ते बेले ठाकुर न थांती जगन्नाथ जाइ न थांती जाइछो केबे जाइ न केबे तुम्हें देखिबो सब अर्गल माने काठो सब बड़ बड़ गंडी सब अटके के रखा है कहीं ता भितर को पशिपारे ठाकुर जो बसंती मंडप से मंडप को कहीं जीवे ना अर्गल दिखाई ताको अर्गल कहते जो काठर जो गंडी द्वारा से बंद कराई थोटा को अर्गल कहते अर्गल मीन्स बैरियर मेड आउट ऑफ वुड इन गुंडीचा टेम्पल When Jagannath is not going to Gundicha, that time it is closed by that argal. All the big wood that is called argal. So now it is said argal rohito. Argal rohito means what? No argal, no barrier. Kaunsi si barrier nahi? Kahan pai barrier nahi? मुक्तिर द्वार द एंट्रेंस गेट ऑफ लिबरेशन इज ओपन्ड मीन्स नो बैरियर फॉर द ह्यूमन बीइंग पुरुषों को पाए मनुष्यों को पाए ए मुक्तिर द्वार उन्मुक्त कारण आम मनुष्य शरीर लाभ कर यार अर्थ होउची जो माने मनुष्य शरीर लाभ करछंती सहजरे मुक्ति पाई परिबे कौन सी जीवजंतु मुक्ति पाई परिबे ना नो वन एल्स देन ह्यूमन बीइंग कैन गेट लिबरेशन नो वन ओनली ह्यूमन बीइंग आमे केवल मुक्ति पाई परिबा किंतु अन्य जीव मुक्ति पाइबे इतर जीव मुक्ति पाई परिबे नाही सो से भाया जो जीवटा सहजरे मुक्ति पाईपर से मनुष्य जदि कपत पक्षी परि गृहधर्म आसक्त हो ताहले श्रेय पथ विच्युत हो गृहधर्म गृहधर्म मीन्स व्हाट फैमिली लाइफ यू कैन से इफ यू विल बी सो मच अटैच्ड टू फैमिली लाइफ देन ही कैनॉट प्रोसीड इन श्रेय पाथ देर आर टू पाथ्स वन गोइंग टू श्रेय वन गोइंग टू प्रेय The prayer path, one is going to prayer path for the pleasure of body and mind, and one is going to shreya path means he's getting pleasure within his atma self. Then how shreya pathre jai hobo nahi? जदि आम आसक्ति ये बढ़ी बढ़ी जीव आम श्रेय पथर जापरना इफ आवर अटैचमेंट विल डेवलप हियर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड वी कैनॉट ट्रेड इन दिस श्रेय पाथ व्हिच इज गिविंग ऑल टाइप्स ऑफ सैटिस्फैक्शन टू आवर सोल
अगेन 11th कैंटो चैप्टर 8 टेक्स्ट 81 सुखम इंद्रियकं राजन् स्वर्गे नरकहे वचो देहिना जज्जथा दुःखं तस्मान् नच्छति तद्बुधा। The saintly Brahmana said, O king, the embodied living entity automatically experiences unhappiness in heaven or hell. Similarly, happiness will also be experienced even without one seeking it. Therefore, a person of intelligent discrimination does not make any endeavor to obtain such material happiness. Abadutta Kaushanti Jadurajan. Abadutta is saying to Jadurajan, He Rajan, Sargo Narako, Iha Pranimanankaro, Kaan, Sukha Dukha Sarup. स्वर्ग को गले सुख नरक को गले दुख यह अजाचित भाव रे सेमान को निकट रे उपस्थित है थाए ऑटोमेटिकली ये सुख एंड दुख हैप्पीनेस डिस्ट्रेस कम्स ऑटोमेटिकली अजाचित भाव दुख न चाहिले आसुचि आमे कौन दुख चाहूचु नोबडी वांट्स टू सफर नोबडी इज इनवाइटिंग मिजरीज बट मिजरी इज कमिंग डिस्ट्रेस कमिंग सफरिंग कमिंग सिमिलरली Happiness also will come automatically. Sukha madhya asiva ape ape. Dukha jimti ape ape asuchi, sukha madhya simti ape ape asu. Tenu vivekabhan purusha. Siye kebe sukha pahi prayas parivana. ये भलिया जो भौतिक सुख पाए से केबे चेष्टा करिब द पर्सन हु इज हैविंग डिस्क्रिमिनेशन दे विल नेवर मेक एनी एफर्ट फॉर मटेरियल हैप्पीनेस Again, in Srimad Bhagavatam, speaking about the relationship between Urava and Urvasi, Bhagavatam re puni purava urvasi ko samparak re kwauch. उर्वशी पुरुरवा गॉट उर्वशी है द किंग पुरुरवा ही गॉट उर्वशी द हेवनली गर्ल एंड दे वर एंजॉयिंग लाइफ सो मेनी इयर देन उर्वशी लेफ्ट पुरुरवा अगेन पुरुरवा did yajna by the fire given by Gandharvas
एंड अगेन ही गॉट उर्वशी. And again he was having sexual relationship with Urvashi long time. Pururabha Urvashi prapta hoitile, Urvashi puni Pururabha ku chhadi chali gale, tapare Pururabha bahut anusochana गंधर्व प्रदत्त अग्नि रे से यज्ञ करके पुणी उर्वशी को प्राप्त हेले बहुदिन चलीगला. उर्वशी के सहित मिलित है कि बहुदिन चल जाइछि. तेणु जेते दूर ही गला मायार जो पर्दा से उठी गला उन्मोचन हो गला सेते बले से खेद प्रकाश कर. व्हेन द कर्टन वाज removed from his eyes, Maya's curtain, then he is lamenting, what I did. Tapar se shoko kurchanti. Se kohuchanti. जेतेबेले चली जाउचंती उर्वशी पूर्वा कौन कहउचंती ओइ जाए ए घोर दुस्समरे तुम्हें टिके मो पाखर अवस्थान करो. What do you say? Oh my dear, or what do you say? Oh darling, darling, what darling is there? Hey, don't go away, leaving me alone here. Just you remain with me. This 11th canto, 26th chapter, 7th verse. Again he is saying, अहो मे मोहो विस्तार काम कसन चेतस दिव्यागृहित कंठस् नायो गंडाई मे सुता. किंग सेड अल्लास Just see the extent of my delusion. This goddess was embracing me and held my neck in her grip. My heart was so polluted by lust that I had no idea how my life was passing. पुरोरभा कहउचंती अहो एते काल उर्वशीर कंठ देशरे आलिंगनाबद्ध कामरे मोहित होई
मोर मोह एत दूर विस्तार लाभ करिछि जे मु जीवित काल रे केते अहोरात्र ता सहित अतिवाहित करिछि ता मु जानि पारु नै। हाउ मेनी डेज पास्ट, हाउ मेनी नाइट्स पास्ट, हाउ मेनी मंथ्स पास्ट, आई डोंट नो। I was so much lusty. I was delusion. Ebang se kohuchanti je amaro ramana kala samay re kete thor surya uday heichanti, kete thor chandra uday heichanti taha mu jane na. During our enjoyment time, how many times sun has risen and how many times the chandra, moon has also arisen? I don't know. Now he is condemning himself. 11:22:9. Aho me atma samho jenatma joshitankritaha kida murga chakravarti naradevo sikhamani. Sorry, 26. This is 26, 11:26:9. Alas, although I am supposed to be a mighty emperor, the crown jewel of all kings on this earth, just see how my bewilderment has rendered me a toy animal in the hands of a woman. मु राज चुड़ामणि सम्राट हेले मध्य देह को कामिनी मानकर क्रीड़ा साधक मृग रूपे परिणत करिछि। अहो मोर आत्मविश्रुत विश्रुति बड़ विचित्र। से निजे स्वीकार करचंती भोग वासना चरितार्थ करिया पाई से उर्वशी द्वारा प्रत्याख्यात होई मध्य किपरि पुनर्बार तांको पछरे धावमान होई अत्यंत आसक्त चित्त होई पड़िछंती ताठर स्वीकार करचंती। बीइंग रिजेक्टेड बाय उर्वशी, she was having so much attachment, even he was running after Urvashi, and he is saying he is confessing here kutasthyanu bhavo sha tejo ईशत्वमेवदा जो अन्य गच्छं श्रीयं जन्ति खराबात पाद ताडितः।
खरबत पाद ताड़ित दिस इज 11:26-11 वेर आर माई सो कॉल्ड ग्रेट इन्फ्लुएंस पावर एंड सॉवरेंटी जस्ट लाइक एन एस बीइंग किक्ड इन द फेस ऑफ हिज सीयर्स हाँ बीइंग किक्ड इन द फेस बाय हिज सीयर्स I ran after that woman who had already given me up. Gadha, Mahan Krishna Achanti Tumaro, Tumma area re Gadha Achanti. अरे गध ब्रह्मपुर बहुत थी 1966 मसीह गोटे पड़िया रे मु तो घरे रोली जोगरे लांजीपल्ली तुम बर्तन बहुत घर हो गला से सब पड़िया थिला घर नथिला मु गोटे घर भड़ा नहीं रही थी से घर पाचेरी उपरे बसे मु देखे सब कौन सब होची ए बहु गध सेते बेले एबे गध नहांती आउ अच्छा गौरांग प्रिय आउ हाँ मनीष गध हो गला गध गुड़ा कौन गल गध देखीच आ गध गधी गध को संस्कृत कौन कह जाए हाँ खर हाँ खर कह जाओ कौन कह गर्धव गर्धवेर मत आमी करी परिश्रम कार लगे तो करी नागुचिल भ्रम नहीं गर्धव गर्धव गर्धवी गर्धवी पद ताड़ित गर्धव बुझे हाँ गौरांग प्रिय बुझीपारच ये कहु तुम मान किसी मन रोन कि माई गध सहित अंडीरा गधटा जत जौन क्रिया करिया को जीव माई गध मार बुझ देखना तथापि मोर मोह कमु ना मु की प्रकार राजा व्हाट टाइप ऑफ किंग आई एम माय डिल्यूजन इल्यूजन इज नॉट गोइंग गेटिंग किक फ्रॉम द फीमेल डंकी तेणु जो माने भोग करिवार इच्छा प्रबल से माने ए भली लात खाइबे इफ समवन विल डेवलप सो मच डिजायर फॉर एंजॉयमेंट ही विल गेट लैसेस लाइक द फीमेल डोंकी इज गिविंग किक टू मेल डोंकी किंतु बड़ दुखर कथा दुर्भाग्यवशत दुर्भाग्यवशत आमे ताकु छाड़ी पारू इस मैटर ऑफ रिग्रेट अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट एबल टू गिव अप दिस टाइप ऑफ एंजॉयमेंट
that one is there, King Vidya, King, King Tapasya. It is stated in 11 piece of austerities and renunciation. And what is the use of studying religious script? Ye tyagaro ki phalo? Astra adhyayanara ki phalo? Nirjana basara ki phalo? Jadi strita manoharana karnela? जदि जड़े स्त्री मनोहरण कर किसी काम लगभग ये पावर माइंड इज स्टोलन बाय वोमेन व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल दिस हायर एजुकेशन सो मच ऑस्ट्रिटी सो मच पेनान रिनाउंसिएशन हाउ इट विल हेल्प स्त्री जस्य मनोहूतम जार मनटा गोटे स्त्री हरण करनेला तेणु आमर मन एवं शरीर ये उभय जदि आम भगवत सेवारे निजुक्त न करिबा ताहाले निश्चित भावरे आमर मन एवं शरीर उपभोग धाइब इफ यू नॉट एंगेज आवर माइंड एंड बॉडी इन भगवान सेवा दिस माइंड एंड बॉडी विल रन फॉर सेंस एंजॉयमेंट ओनली तेणु आम एथरु जहा जानिलु जे जोशित संग ये जोशित संगटा होची आमर बंधनर कारण सो फ्रॉम ऑल दिस वी केम टू ए कंक्लूजन दैट दिस टाइप ऑफ जोशित संग द एसोसिएशन विथ जोशित इज कॉजिंग बंडेज ए जोशी संग द्वारा आमे भगवान को सेवार विच्युत है अधिक रु अधिक भाव रे जागतिक मोहग्रस्त हो ड्यू टू दिस जोशी संग विल गिव अप दिस भगवत सेवा एंड मोर विल बी एंगेज्ड इन मेटेरियल सेवा फॉर मेटेरियल हैप्पीनेस जागतिक सेवा जागतिक आनंद पाई भगवत सेवा आत्मार आनंद ये जगत रे अन्य सेवा अन्य किछि एगुड़िक मन देहर आनंद व्हाट एवर सर्विस विल रेंडर अदर देन भगवान दैट विल गिव प्लेजर टू आवर माइंड एंड बॉडी बट इफ यू आर एंगेज्ड इन भगवत सेवा भगवान सेवा इट विल गिव प्लेजर टू आवर आत्मा इट इज स्टेटेड इन 11th कांतो चैप्टर 14 टेक्स्ट 3 न तथास्यो भगवत क्लेशो बंधो सन्न्य प्रसंगतः
ज्योति संगत यथा पुंस तथा तत्संग संगत उद्धव माधव संवाद फ्रॉम भागवतम 11th कैंटो उद्धव माधव संवाद इट्स रॉन्ग है मे बी रॉन्ग दिस नो दिस इज रॉन्ग न तथास्य भगवत क्लेश भवत क्लेश आई सेड ना 11:14:30 Of all kinds of suffering and bondage arising from various attachments, none is greater than the suffering and bondage arising from attachment to women and intimate contact with those attached to women. Stri sanga, stri sangi, purushar sangaru. जीवर जपर क्लेश और संसार बंधन घटता है अन्य कौन सी विषय संगरे सेपरि हुए ना तेणु तेणु एमें देखिलु जे शरीर मन ये कौन चाहिए शरीर मन चाहिए किसी उपभोग यहाँ ही शरीर और मनर आवश्यकता व्हाट बॉडी एंड माइंड नीड्स बॉडी एंड माइंड दे नीड एंजॉयमेंट और सेंस ग्रेटिफिकेशन इफ वी आर गिविंग एंजॉयमेंट टू बॉडी एंड माइंड We need more enjoyment. तेणु आमे जदि शरीर मन को आनंद दवा को चेष्टा करिबा ताहा अधिक रु अधिक आनंद चाहिबो ते सेतिपाई आमर प्रथम काम होउची जे आमे शरीर मन को आनंद दबाला Therefore, we should not try to give pleasure to our body and mind. Rather, we should give pleasure to the Supreme Lord Krishna, who is the only Purusha. Purusha means enjoyer. He is not only Purusha, but also Parama Purusha, Supreme Enjoyer. Instead of giving enjoyment to our body and mind, we should give enjoyment to the Supreme Enjoyer, Bhagavan Krishna. Ame nijara sarira manuka ananda dava parivarte, ame tankui ananda dava, jehochanti Parama Purusha. बा परम उपभोग कार्य
आमे अजितेन्द्रिय आमे कहीं जितेन्द्रिय नहु वी आर ऑल नॉट हैविंग कंट्रोल ओवर आवर सेंसेस सो देयरफॉर वी आर हैविंग डिजायर फॉर एंजॉयमेंट तेणु आम भितर भोग करिवार इच्छा रही जाऊछ भोग बुद्धि रही जाऊछ तेणु आम ये जगत रे जहा किछि कार्य करूछ ये जागतिक कार्य जहा किछि करूछ केवल इंद्रिय को भोग दबा पाए सी सुना तैयारी करूला गहना कौन हम से गहना कौन कर सुना गहना कौन तैयारी कर सोरसा माली किए पिंधे माताजी मैंने पिंधे माता पिंधिले आगे भल देखा बेकर बढ़े ना सोरसिया माली कर तेणु आम जहा कर किए सुना कारबार करे जोता तैयारी करे कलकारखाना सब विभिन्न प्रकार कल कब्जा तैयारी जिए जिते प्रकार जहा कार्य करा कौन करवल इंदिर तुति व्हाट एवर एक्टिविटीज वी आर डूइंग इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड मेटेरियल फील्ड फॉर ओनली सेंस ग्रेटिफिकेशन नथिंग एल्स बाहर होटल रे सब विभिन्न प्रकार रो आइटम सब तैयारी हो कौन पाई जो मानकर जिहा लालसा अच्छी तैयारी ना मेनी होटल रेस्टोरेंट मेनी टाइप्स ऑफ प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन देयर ओनली टू गिव सम टेस्ट टू द टंग्स of the jiva tuma barampur re bahagar re kon biyah utsav jautu या जौतुक कौन दिया कौन कौन पर तुम बेसी डिमांड तुम गंजाम कौन डिमांड टा बेसी ए तुम्हें गंजाम लोक नु क्यों सुना केते भरी दबू नाई तुम नहीं बोधे तो तेलुकास्ट नहीं गिरे सुना दबा नहीं तेलुकास्ट सुना नदे बाहर पार ना मन कर जड़े तार झी को चालीस भरी सुना देला दौंट मु जानवर दौंट सी चालीस भरी सुना कौन सी लगे देहरे
किंतु आउ देलानी ये मात्र चालीस भरी देला कहबे सी लगे गोटे दी भरी सुरसीमाली के भरी दी तोला से दी भरी तोला समान गोटे चेन पकेले दी तोला चेन पक चारि तोला कि चारि भरी पकाओ कि चालीस ग्राम रो पकाओ आउ कहीं देलानी बोले आस कौन हम सी पेड़ी रकर रुम बेक रो कि हम दिस इट इज सैड दैट आम देखु सुंदर स्त्री बहुत बहुत डाउरी आसी तथा मध्य से बहु को गंजना दिया दि कौन तो बाप घर दे आम ना युवा कौन दे Somebody got married to a very beautiful girl, and the girl's parents they gave so much dowry, but still, husband and other in the family they are not happy. Ninth canto, chapter 16, text 13, it said, Jat prithibhyam brihi javam hiranyam pasava striya na hyanti mana pritim pungsa kama hatasate. यत् पृथिव्यां ब्रीहि जवम् यत् पृथिव्यां यत् पृथिव्यां ब्रीहि यवं हिरण्यं पशव स्त्रीय पागल यत् पृथिव्यां ब्रीहि यवम् हिरण्यं पशव स्त्रीय न दुह्यन्ति मनः प्रीतिं
पुंसह काम हतस्यते, ए पर्सन हु इज लस्टी कैनॉट सैटिस्फाई हिज माइंड इवन इफ ही हैज एनफ ऑफ एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इंक्लूडिंग राइस बर्ली एंड अदर फूड ग्रेन्स गोल्ड एनिमल्स एंड वीमेन नथिंग कैन सैटिस्फाई. ये कामाशक्त पुरुष से पृथ्वीर सब जिनिष धान चाउल गहम जब बाली समस्त प्रकार खाद्य शस्य स्वर्ण रौप्य पशु पक्षी प्राणी स्त्री सब किसी प्राप्त हेले सुद्धा कदापि तृप्त हेब नाही. तेणु एथर आम कौन देखा ए लस्टी पर्सन विल नेवर बी सैटिस्फाइड. जड़े कामाशक्त पुरुष केवे तृप्त हो पार ना. तेणु ये आम देखा जो माने कामाशक्त से माने योषित संग करिवारे आग्रही. ये लस्टी पर्सन्स दे हैव सो मच डिजायर फॉर एसोसिएटिंग विथ वीमेन. They cannot remain without association with women. Semane kebe stri samparko ba sanga chadi rahi paribe na. Semane kamasakto. Au ame janilu je josit sanga narkar dwaro mukta kare. We came to know that the association with Josit will open the gate to enter into hellish planet. Many, many things are there on this topic. So many things are there. Okay, we'll keep it here. Next opportunity, I think, on 18th, because 11th will not be here. Again, we'll continue from this on 18th. Okay, thank you very much. जय श्रीमद् भागवत ग्रंथराज की जय. जय श्री गुरुदेव की जय. श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय. श्री राधा गोपाल जीव की जय. श्री जगन्नाथ बलद सुभद्रा देवी की जय. श्री गौनिताय की जय. समवेत गौर भक्त वृंद की जय. गीताय गौर मानंदे हरि हरि. जय श्री गुरुदेव की जय. दाम साहब गुरुकृष्ण हृदय थाई सुधा आम मान सभ्य सेवक संपर्क स्थापित होना कहीं कृष्ण आम हृदय भितर परमात्मा रूप से विराजित
सही परमात्मा पुणी चैत्य गुरु रूप से आमर सम्मुखरे विराजित एवं से गुरु एवं कृष्ण जहाँ सार कहले से समस्त व्यवस्था आम पाई करिथिले मध्य आमे अंधभागिया ए भौतिक प्रीति भौतिक सुख सुविधा इंदिर प्रीति पछरे धाउँछ। तार एकमात्र कारण होउछि जे आमे प्रकृत पक्षरे आमर जो मन ये मन भितरे आमे भगवान कृष्ण को स्थापित करि पारु नाहुं। जो मुहूर्त रे आमे भगवान कृष्ण को आम मन भितरे स्थान दबा तार पर मुहूर्त रे एई जो भौतिक सुख सुविधा बा इंद्रिय तृतीय सुख एगुड़क आम पाई तुच्छ हो आमे प्रकृत पक्षरे मन भितरे भगवान कृष्ण को स्थान दे पारुना हूँ जहाँ कि भगवान कृष्ण भगवद गीता रे कहिले मनमना भव मद भक्त मज्जा जे मान नमस्तु सेति पाई सबु थाई कि मध्य किछि नाही बुली बुझियक पड़ो। तापरे आ गोटे जिनिष होउछि जे आमे संपूर्ण भाव रे गुरु कृष्ण को आम को नियंत्रित करिया पाई छाड़ू ना बा तांकु से सुजोग दौ ना आम नियंत्रण निजर नियंत्रण आमे निज हाथ रे रखिया को चाहिछु सेइटा होची घोर असुविधा। आमे जो दिन संपूर्ण भाव आम नियंत्रण को आम गुरु कृष्ण को छाड़ी दबु से मुहूर्त रे सब सुविधा हो किसी असुविधा रही आम बर्तन खाइबा को पाइबा कि नहीं चिंता मुंड गुंजा को रहा जगह रही कि नहीं चिंता पिंधा कि मिलब कि नहीं चिंता बहु चिंता आम करम निजपाई कि जो दिन आम संपूर्ण तर निर्भर हम से दिन आम कि चिंता ना एखन हाँ एखन दुख दूर गला चिंता ना रो चौदिगे आनंद देख सबु चतुर्दिग आनंदमय हो जाए Yes. Huh? Oh, I want to see again. What exactly wording? My godbrother, Damodar Sar, we say Sar. Everybody say Sar, Damodar Sar, because he was teacher. His question is, even if Guru and Krishna, they are remaining in our heart, why we are not developing service attitude towards Krishna as a servitor? Krishna is remaining in the heart as Paramatma. And this Paramatma is standing before us as Guru because he is Chaita Guru. The moment we need to know Krishna, he will act as Guru. So he is right that Guru and Krishna both are in the heart. But
we are actually not submitting us to Guru and Krishna. We want to keep everything in our own hand. We want to control everything. We don't want to be controlled. The moment we will develop desire to be controlled by Guru and Krishna, then everything will be possible. We are not able to keep Krishna in our mind. Therefore, our mind is going towards sense enjoyment or sense gratification. But the moment we will keep Krishna in our mind, the mind will run to serve Krishna. Only the thing is that we want to just retain our independence. That independence you don't want to give to Guru and Krishna. Then we'll just face the consequence. Can we say that lust can be changed to something else by developing bhakti? Yes, we have now lust. What is lust? The lust is we are always looking for our own sense gratification. Atmaindriya priti vancha, the desire for own sense gratification is called lust. The same lust can be turned to love when we'll develop desire to serve the Supreme Lord for His pleasure. And we can develop our loving relationship with Him. So, just change, Prabhupada Maharaj said, just change of our consciousness. Due to our polluted consciousness, we want to get all happiness for our body and mind. When we'll change our consciousness and we will like to give the same pleasure, happiness to the senses of the Supreme Lord, then it will become Krishna consciousness, the topmost consciousness. And love can be possible in Krishna consciousness. The lower consciousness, love cannot be possible. Only lust will be there. In the highest consciousness, Krishna consciousness, love can be possible. Okay, then? Okay, thank you very much. Jai Srila Gurudev ki jai.